नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी की डिमांड थी कि हमारे लिए जंगीर मल्टी क्रॉप थ्रेसर का फुल रिव्यू लेकर आए कि 2023 का जो मॉडल है उसके अंदर नया क्या है, क्या क्या फीचर्स है। किसान भाई आपको बता दें कि ये वाला जो मॉडल है ये डी मॉडल ही है और जंगीर का सबसे बेस्ट टॉप क्लास का मल्टीक्रॉप थ्रेसर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि ये कितने एचपी ट्रैक्टर से चलता है, क्योंकि किसान भाई आपको भी बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है वही रहता है कि किसान भाई के पास कौन सा ट्रैक्टर, अगर वो मल्टीक्रॉप थ्रेसर ले रहा है तो उसके पास कितने एचपी का ट्रैक्टर है वो पहले जरूरी है। तो किसान भाई आपको बताते हैं कि ये मिनिमम 35 एचपी के ट्रैक्टर से चलेगा और किसान भाई वो भी आपको जानकारी देते हैं कि ये कौन कौन सी फसल निकालेगा। तो किसान भाई आपको बता दें कि चावल और मूँगफली को छोड़कर ये भारत के अंदर जितने भी फसल होती है वो लगभग सभी प्रकार की फसल निकालेगा। और किसान भाई अगर गीले की बात करें तो ये जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये गीला माल भी निकालेगा। किसान भाई इसके फीचर्स आपको बताते हैं जो आपको बक्कू भी पसंद आएंगे कि 2023 में इस मशीन में क्या बदलाव हुआ है। तो किसान भाई इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले एलिवेटर देख पा रहे हैं तो इस बार कंपनी ने एलिवेटर के अंदर भी बदलाव किया है। पहले क्या है कि पट्टा वाला सिस्टम आता था जिससे कि जो भी वो फसल निकालते थे तो उसमें दाने फोड़ने जैसी समस्या आती थी, लेकिन इस बार ये जो एलिवेटर इसके अंदर चेन वाला सिस्टम दिया गया है और चेन भी बहुत ही हेवी है जिनसे कि आपकी फसल के अंदर दाना फोड़ने जैसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आप यहाँ पर जो ये सिस्टम देख पा रहे हैं इसके माध्यम से आप इसको निकाल कर अपनी ट्रॉली के अंदर सीधा लोड भी कर सकते हैं। और किसान भाई देखिए कि यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, वो हैंडल वाला नहीं है कि कुछ समय के बाद में ख़राब हो गया। देखिए किसान भाई कितना एडजस्टेबल है, बिल्कुल आप ये देखिए कि एक अंगुली से ये ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए कितना शानदार ये छोटे छोटे फीचर्स है ना, ये किसान भाई को बहुत ही कारगर साबित, बहुत ही मददगार साबित होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो कितनी आसानी के साथ ये वापस हो गया। और किसान भाई यहाँ पर आपको एक सिस्टम मिलता है, आप जो भी अपनी बोरी है यहाँ पर हुक लगे हुए हैं तीन, इनके माध्यम से यहाँ पर लगा सकते हैं। किसान भाई यहाँ से आपकी जो भी फसल होगी वो यहाँ से निकल कर आएगी। और इसका शेप देखिए किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि बहुत सारी थ्रेसरों में आपने देखा होगा कि 3-4 किलो जो फसल है वो तो यहीं रुक जाती है, जाए नहीं। इस प्रकार है कि आपकी यहाँ पर कोई सी भी फसल बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं रुकेगी, बिल्कुल पूरा माल आपका ट्रॉली के अंदर हो। और किसान भाइयों ये जो आप फीचर्स देख पा रहे हैं ये देखिए किसान, हवा का इससे आप ये हवा इधर से ऐसे फेंकेगा, इसका महत्व ये है कि आपकी फसल के अंदर अगर हल्का फुल्का भी कचरा आ रहा है तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि आपकी फसल ग्रेडिंग होकर आएगी। देखिए किसान भाई यहाँ पर हैंडल दे रखा है, डाउन भी लिखा हुआ है, कम करना है ज़्यादा करना है वो आप इस हैंडल के माध्यम से कर सकते हैं। और किसान भाई वो देखिए कि यहाँ पर एक सीढ़ी है, आपको थ्रेसर पर जब आप अपनी जो ये ड्रम रहेगा उसकी जाल वाल चेंज करोगे तो इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर चढ़ सकते हो। और इसके जो चालने जाल वो भी चेंज करना बहुत ही आसान है। किसान भाई हम अगली तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक खिड़की दी हुई है, आप देख सकते हो कि आपकी फसल वो किस प्रकार आ रही है। और किसान भाई जैसे हम यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो ये बॉक्स, इसकी ये जो बॉक्स है ना ये ग्रेडिंग करने के लिए, आप अपनी फसल निकालते हो कुछ अनाज कचरे के साथ नीचे गिर जाता है तो उसको आप परात के अंदर लेकर इस पर डालकर ये वापस चालने पर आ जाएगा जिससे कि आपकी फसल वापस एक अच्छी तरीके से ग्रेडिंग होकर आएगी, ये भी अच्छा फीचर्स है। और किसान भाई यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलेगा। और किसान भाई मैंने जैसे ही बताया कि यहाँ पर टूल बॉक्स, किसान भाई ये वाला फीचर्स देखिए आप, ये आपने शायद ही पहले किसी भी मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर देखा होगा। किसान भाई देखिए कि ये बेल्टों को टाइट और लूज करने का लिए कितना शानदार सिस्टम कंपनी ने निकाला है, इन दो की नट के माध्यम से आप अपनी बेल्टों को टाइट और लूज कर सकते हो। और किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ मशीन पर हर जगह किसान भाई को चलाने के लिए आसानी रहे, तो हर जगह देखिए कि अगर ये पंखे वाला सिस्टम है तो यहाँ अप डाउन का लिखा हुआ, ये निर्देश लगा हुआ है कि मशीन को किस प्रकार चलाना है, लिखा हुआ है मशीन को ग्रीस समय समय पर अवश्य करें, मशीन चलाने पहले नट बोल्ट चेक कर ले, यानी हर प्रकार की सावधानियां, हर प्रकार से जो फीचर्स होते हैं उनको किस प्रकार यूज करना है वो इस मशीन के अंदर हर जगह लगे हुए हैं जिनसे कि किसान भाइयों को आसानी रहेगी। और किसान भाइयों जैसा ही हम अगली तरफ आते हैं तो आप जैसा कि ये पर देख पा रहे हैं व्हील, तो व्हील का महत्व बताता हूं, जितने अधिक हेवी व्हील मशीन के अंदर होगी तो आपके ट्रैक्टर पर कम लोड पड़ेगा। तो इस मशीन के अंदर 3 व्हील दिए गए हैं और तीनों ही बहुत ही हेवी क्वालिटी के दिए हैं जिनसे कि किसान भाइयों आपके ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा। एक व्हील इस तरफ है, एक उस तरफ है और एक आगे की तरफ है, हम आपको तीनों व्हील दिखाएंगे। जैसा ही किसान भाई हम इसके पीछे की तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डोली, डोली की हाइट भी ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है,
क्योंकि किसान भाइयों जो भी आपकी लेबर रहेगी वो आपकी जो फसल वसल डालेगी उनको आसानी रहेगी, ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। और किसान भाई डोली के अंदर देखिए कि ये नकुले प्रकार के दांते लगे हुए हैं, जिससे कि आपका माल रिटर्न नहीं होगा। और आप जो भुट्टा उट्टा निकालते हो ना, जैसे कि बहुत सारे बोलते हैं कि ज्वार की चांचड़ियाँ निकालते हैं, मक्की का भुट्टा निकालते हैं, तो वो रह जाता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ही सफाई होकर अंदर जाएगा। रोलर लगा हुआ है, वो भी बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। और किसान भाइयों जैसे कि ज़्यादा लेबर अगर माल डालती है, आपको लगता है कि ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है, तो उसको आप एक इस हैंडल के माध्यम से रोक सकते हो, उस तरफ भी आपको हैंडल मिलेगा। अगर लेबर उस तरफ या इस तरफ है तो दोनों तरफ से इसको ऑपरेट कर सकता है। और किसान भाई जैसा कि आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसका महत्व किसान भाई आपको समझाते हो, आप जब भी गीला माल निकालते हो तो ड्रम चोक होने की ज़्यादा समस्या रहती है, वो फसल एक बार में सही से नहीं कट पाती है। कुछ अगर फसल रहती है तो आप इसको ऊंचा करके आप इसके अंदर डोली के अंदर उस फसल को वापस रिटर्न करके अपने ड्रम के अंदर ले जाकर एक अच्छी तरीके से कटाई हुई, वो दाना वाना तोड़ने फोड़ने जैसी समस्या नहीं। अगर इसके ड्रम साइज की बात करिए तो किसान भाई इसका ड्रम साइज आपको 48 इंची मिलेगा। किसान भाई जो डी मॉडल रहता है, ये जो बड़ी वाली पुल्ली है ये डी मॉडल के अंदर लगी रहती है, नॉर्मल मॉडल के अंदर वो नहीं लगी रहती है। भाई जो सेकंड व्हील आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए किसान भाइयों ये सेकंड व्हील भी इसका कितना हैवी है। और जो किसान भाई जो आपको जो जाल है उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए कि अप और डाउन यानी रोमन कटर जो आपका रहता है उसको यहाँ पर कम ज़्यादा करने के लिए भी यहाँ पर फीचर्स दे रखा है, जैसे कि आपको ये दोनों तरफ नट इसको लूज करके टाइट और लूज कर सकते हो। और किसान भाई जैसे हम मशीन के अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर ये फैन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप ये वाला जो सिस्टम है इसके माध्यम से आप अपने भूसे को नज़दीक गिराना चाहते हैं या दूर तक गिराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फीचर्स मिलेगा। किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मशीन में आपको 3 चालने मिलेंगे। और जो किसान भाई ये जो ऊपर वाला आप जो फर्स्ट चालना देख पा रहे हैं ये मोटा चालना है, इसके अंदर फसल के अंदर आपका जो मोटा कचरा आ जाता है तो वो इसके माध्यम से इधर आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फसल के अंदर हल्का फुल्का दाना भी आ रहा है तो आपको इसके माध्यम से इसके अंदर डाल सकते हो, जो कि वह पीछे ड्रम की डोली के अंदर चला जाएगा। और ये सेकेंड वाला है, अगर इसके अंदर भी आपको लगता है कि हल्का फुल्का तो इसके माध्यम से वो इस फिल्टर के माध्यम से पीछे डोली में चल जाएगा। और किसान भाई हो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे गियर को पूरी तरीके से कवर कर रखा है, जिनसे कि गियर के फसल निकालते हो वो मिट्टी जो रहती है ना वो इस गियर पे नहीं पड़े और आपके गियर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई, इस प्रकार से इसको सेट किया है। और ये वाला जो भी आपका मिट्टी विट्टी कचरा उचरा आएगा बारीक वाला वो इसके माध्यम से यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये भी बहुत ही शानदार है। ऐसा मान लो कि आपको थ्रेसर के नीचे जो तरपाल बिछाते थे उस समस्या से आप मुक्त हो गए हो। किसान भाइयों ये जो आप ये तीसरा व्हील देख पा रहे हो ये भी बहुत ही हेवी क्वालिटी का। और किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारे पास महिंद्रा ट्रैक्टर, हमारे पास मेसी ट्रैक्टर, हमारे पास फार्म, तो यानी कुछ ट्रैक्टरों के अंदर अलग अलग आरपीएम रहते हैं। तो आप जैसा कि नीचे देख पा रहे हो दो बेल्ट के अंदर आपको 3 पुलियाँ मिलेगी, जिसके माध्यम से आप मशीन के आरपीएम सेट कर सकते हो। किसान भाई देखिए कि यहाँ पर बेल्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पर एक रोलर लगाया गया है, जिससे कि आप दो नट खोलकर इसको आप अपने हिसाब से कि कौन सी पुली पर चल रही है तो उसको एडजस्ट करके इसको टाइट कर सकते हैं बेल्टों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो मशीन का चेसिस देख पा रहे हैं वो भी एक बहुत ही हेवी क्वालिटी का। और जो आप अपना ये जो ट्रैक्टर के जॉइंट करने वाला हुक वाला जो सिस्टम है इसको आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, यानी ऊपर रखना है नीचे रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पर ये 3 नट लगे हुए हैं और यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर अलग अलग छेद दिए गए कि आपको ऊपर करना है नीचे करना है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो किसान भाइयों अगर इस मशीन की बात करें कि ये 1 घंटे के अंदर कितना क्विंटल माल निकाल देता है, तो किसान भाई आपको बता दें कि अलग अलग फसल पर अलग अलग डिपेंड रहता है। अगर इसके 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल 1 घंटे के अंदर इस मशीन का एवरेज है। किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो डी मॉडल के अंदर है, सबसे टॉप मॉडल है जंगीर मल्टीक्रॉप थ्रेसर का, वो आपको पसंद आएगा। और मैंने जो इस मशीन के अंदर फीचर्स बताए सबसे अच्छा फीचर्स आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट करें। और किसान भाइयों मैंने इस मशीन की तो संपूर्ण जानकारी दे दी, तो अब कुछ किसान भाई सोच रहे हैं कि हमें मशीन कहाँ पर मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी, तो किसान भाई आपको बता दें कि यह मल्टीक्रॉप थ्रेसर आपको श्याम एग्रो इंडस्ट्रीज केगरी अजमेर राजस्थान के अंदर मिलेगी। इसकी बुकिंग चालू है तो आप बुकिंग करवा सकते हो। किसान भाई यह मशीन आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगी, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही कमाल के और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।